पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा के लाल शाहनवाज सिद्दीकी ने 2 और 3 मार्च को थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित हुई मिस्टर मिस गैलेक्सी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें शाहनवाज ने बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक दोनों ही वर्गों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने देश हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। शाहनवाज की इस बड़ी उपलब्धि से पूरे शहर और उनके चाहने वालों में खुशी का माहौल है। आज अमरोहा पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बस एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग है, अलग ही एक खुशी है कि मैं बैंकॉक गया, अपने देश के लिए खेला और वहाँ भारत का झंडा लहरा कर आया हूँ। अल्लाह के शुक्र से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने, क्लासिक फिजिक डिवीज़न में और बॉडी बिल्डिंग में, दोनों में ही गोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर मैं खुश हूँ जब 18-19 देशों के लोग खड़े होंगे और आप फर्स्ट टाइम और आपके देश का राजगान जब स्टेज पर बजता है तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जाहिर नहीं कर सकता लफ्ज़ों में उस खुशी को कि मैं कितना खुश था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि से नवाजा है, 2 गोल्ड मेडल आए हैं मेरे, मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर गैलेक्सी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थे इसमें इंडिया के लिए मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या मैसेज? युवा पीढ़ी के लिए यही है कि गलत कामों से ध्यान हटाकर थोड़ा अपना 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं। आजकल आप वैसे भी देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, बीमारियाँ काफ़ी हो गई हैं, जितना भी हम कुछ खा रहे हैं वो सब सिंथेटिक है, कुछ ओरिजिनल कुछ मिलता नहीं है और ज़्यादातर युवाओं का ध्यान सेहत की तरफ है नहीं। तो यही कहना चाहूँगा कि 1-1.5 घंटा अपनी जिम को जरूर दें, कुछ भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखें जिससे कि जिस्म से पसीना बाहर निकले। उन्हें जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं उसमें मोस्टली यही है कि 40 के बाद हर आदमी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। तो बॉडी कहती है कि 3 चीज़ें ज़रूर निकलनी चाहिए और उसमें सबसे मेन है पसीना। तो 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, किसी भी रूप में करें, स्पोर्ट्स कोई भी हो उसे खेले जरूर। आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे कोच हैं प्रो मेकर मिस्टर इमरान खान जी और हमारे यहाँ बीएचएफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यूपी के वाहिद अली जी, और मैं अपने फैमिली को इसका सारा श्रेय देना चाहूँगा। इन तीनों लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। बहुत बेहतर। और सब मेरे जितने भी मोहब्बत चाहने वाले हैं उन सबके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना ये कुछ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था।